हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है माँ का संसार। तो ये वीडियो मैं कितने दिन से चाह रही हूँ शेयर करना पर रह ही जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने मायके का लास्ट सारा वीडियो आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। अब ये लास्ट वीडियो है। तो जब मैं मायके से वापस आ रही थी तो हमारे यहाँ स्पेशली यूपी और बिहार में ऐसा होता है, जब लड़की अपने ससुराल से मायके जाती है तो सास खोइंचा देती है, ये ज़रूरी माना जाता है, और जब वापस आती है तो माँ खोइंचा देती है। तो इसके बाद मैंने मम्मी का पैर छुआ। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए लेकिन अपने संस्कार को तो लेकर चलना करिए, जाने ही से पहले चाहिए। प्रणाम करिए। अरे मम्मी, आप भारी भारी क्यों उठा रही हैं? आज बेटा अश्विन जा रहा है, बाय बोल दो अश्विन को। अश्विन तुम इतना क्यों खुश हो? वहां जाने के किसका याद आएगा? आंश, आंश सोकर उठा है। ओ आंश की मम्मी इसको बहुत ही उठा रही है। ओ इसीलिए इतना गुस्सा। और मैडम, आधे मैडम, आधे मैडम, नमस्ते। मुझे भैया मारता था, भैया जा रहा है। नमस्ते, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं जा बाय बाय, जल्दी आना। हाँ जल्दी आओ। हाँ कब आओगे? जल्दी है ना। हाँ जल्दी आओ, ठीक है। अश्विन जल्दी आओगे? मामी को पूछ दो, मामी को पूछ दो, पूछी कर पूछी दो। जल्दी आओगे अश्विन? हाँ जल्दी आऊंगा। हाँ जरूर, हाँ जरूर। और सबसे ज्यादा किसको याद करोगे बलिया जाओगे तो? किसको याद करोगे बेटा? आप लोग याद करेंगे। हाँ? आप लोगों को याद करोगे। आप लोग मतलब कौन है? हम है, दादी है, नानी है, दादा है, कौन है, किसको ज्यादा याद करोगे? अंश को। अंश को कहना बेटा, अंश हाथी कर लो अश्विन को। ये तो ये क्या हो गया? ये देखिए इन लोग। पूरा कंटेंट दे रहे हैं। लाटा हूँ नानी, मैं लाटा हूँ। वो भी डोरमेट के पास है, तुम भी सो जाए, तुम्हारा कमी बाकी है। ए नहीं नहीं, अरे पैर से नहीं मारो भाई। आधे इन बदमाशों के बीच में नहीं रहेगी। जाती है ना पैर रंग के भेजने, ऐसे पैर रंगा जाता है। वो देखो इन दोनों, ये दोनों भी अपना अपना खोल के बैठ गए। वो उनका कर लिए बस एक। आप भी आ जाइए। क्या है आंश? यहाँ पे मम्मी मेरे पैर में आलता लगा रही हैं। तो ये भी होता है, बेटी बहू जब भी जाती है, जो सुहागन औरतें होती हैं उनका पैर रंगा जाता है। तो मम्मी वहाँ पे कर भी रही हैं और भाभी को सारी जितने भी रिचुअल्स हैं समझा भी रही हैं, तो भाभी भी समझ रही हैं। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे आँखें मतलब एकदम ताड़ के बैठे हुए हैं कि मेरे बाद कब इनका नंबर आएगा। अंश और अश्विन दोनों के दोनों। किसे भूल रही थी? किसको बोल रही है? ससुराल है क्या? पूरा जगह जाएगा, पूरा रंग करेगा। अम्मा, अच्छा है बाबू। अब दोनों बच्चे रंग लगाने के बाद में आपस में खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं।
इन दोनों को एहसास भी नहीं कि दोनों बिछड़ने वाले हैं, बस खुश हो रहे हैं, अपने आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कब मिलेंगे अब तुम्हारा? आदिया को, आदिया को, अश्विन आदिया को। बुआ जा रही बाबू? बुआ बुआ जा रही है बाबू? याद करोगी बुआ को? मेरे साथ खूब टाइम स्पेंड तो की है ये। बुआ को पूछ करो, दादी देखो बुआ को भी नहीं पूछेगी। देखो तो जा रही है बुआ। अदु अदु चलो बुआ को दादी को पूछ करो, पूछ करो, पूछ करो, पूछ करो, पूछ करो। तो यहाँ पे फिर हमने ई रिक्शा, पापा ने ई रिक्शा बुलाया था। एक्चुअली गाड़ी चलाने वाला कोई था ही नहीं, पापा को ड्राइविंग आती नहीं है, भैया थे नहीं, तो फिर पापा ने ई रिक्शा बुला लिया। फिर हमने सोचा था कि हम डायरेक्ट बुक करके चले जाएंगे स्टेशन तक, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। आज से एक बार फिर से छुआ। फिर पापा ने कहा कि नहीं, ई रिक्शा से फिर हम मेट्रो जाएंगे, फिर मेट्रो से फिर उसके बाद हम लोग गए, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता, और ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे। तो फिर इसके बाद हम लोग बैठे हैं, अंश यहाँ पे वो भी जिद कर रहा था जाने की, वो ई रिक्शा देखी वो भी रोने लग गया कि उसको भी बैठना, और वो दौड़ के जाके बैठ ही गया। अब ये एक ऐसा टाइम होता है, शादी के कितने भी साल बीत जाएं, लेकिन अपने मायके से वापस लौट कर आना और अपनी माँ को छोड़ के आने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब जैसे पहले तो जब शुरू शुरू में शादी थी तो हमें बहुत रोना आता था, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग ही फीलिंग, मतलब अब ये हर एक बेटी समझ सकती होगी कि कैसा लगता है वापस आने में। ना मामी का बच्चा, अरे मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। हो गया हो गया हो गया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। क्या करें, लो एक जाना ही है आज, तुमको तो जाना ही है बेटा, आज नहीं जाएगा, आप जाएंगे आज। बाय मम्मी, बाय। अश्विन के पापा हमें आकर लेकर गए, और पापा अपने किसी काम से चले गए थे, वो फिर घर शाम को आए तो देखिए अश्विन का प्यार कितना है अपने पिताजी के सामने, कितने दिन बाद अपने पिताजी से मिला है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हर हर महादेव। इतना दिन से कहाँ था, पिताजी को छोड़ कर कहाँ गया था? क्या बात कर रहे हो? और वहाँ क्या क्या किए बेटा? क्या क्या किया? क्या किया बताइए तो, क्या किया नाना नानी के घर जाके? दूध गिरा दिया। दूध गिरा दिए बनवासी के जाके? हाँ दूध तो गिराया था, सही सही बात बता रहे हैं। खूब मस्ती की है ना बाबू? खूब मस्ती। अंश का याद आ रहा है? अंश तो आपको बहुत मिस कर रहे बेटा, रो रहा था अभी आपके लिए, बोल रहा था अश्विन चाहिए। हाँ